हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज आपके सामने हम खेलने वाले हैं एक नया गेम। तो गेम खेलने से पहले रूल्स को देखेंगे और गेम का नाम मैं आपको बता दूं, द अर्काडर गेम का नाम है। इस गेम रूल्स में जाइए और जितने भी रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे बता दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट्स है, इजी पॉइंट्स है, इजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट्स है, एक एक छोटा छोटा लाइन का पॉइंट्स है। आराम से जाइए, समझिए, फिर गेम को स्टार्ट करिए। तो आपको क्या ना, खेलते खेलते एक इंटरेस्ट आएगा, आप समझोगे गेम कैसे खेल रहे हो। लेकिन जो भी आपका जीतना और हारना है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्किल यूज़ करना नहीं है। स्किल आप इसमें यूज़ कर सकते हो ऐसे कि कब आप जब देख रहे हो कि आप जीत रहे हो तो बेट को रेस करिए, तब आप ज़्यादा जीत सकते हो। और कब यहाँ पे आप देख रहे हो हार रहे हो तो बेट जितना भी उससे थोड़ा कम करिए, तो वो हारने वाला जो पड़ाव है ना, वो जो एक मोमेंट है वो चल जाएगा। उसके बाद आप वापस बड़े बेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। बटन फंक्शन देख लीजिए, कौन सा बटन कैसे काम करता है, सारे चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है सिंबल के साथ। उसके बाद हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद गेम स्टार्ट हो चुका है। इसको पहले हम म्यूट कर देते हैं। चलिए म्यूट कर दिया है। उसके बाद ट्रॉफी में जाएंगे तो आपको पे टेबल दिख जाएगा, कौन सा वाइल्ड है, बोनस सिंबल कौन सा है, बोनस गेम, स्टिकी वाइल्ड, मिस्ट्री सिंबल कौन सा है, मिस्ट्री गेम कैसे खेला जाता है, कैसे वो आता है, सिंबल्स में कितना पे आउट मिलता है, सब कुछ यहाँ पे दिया है। और पे लाइंस भी बता दिया गया इनफैक्ट कि कौन सा पे लाइन में किस तरीके से आपको विनिंग अमाउंट मिल सकता है। डब्ल्यू वी, बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स है जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पे लाइन से। कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे देख लेंगे 6x 2x 1x, हर एक तरीके से आप यहाँ पे जीत सकते हो बड़े बड़े अमाउंट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये गेम, आर्काडर गेम का नाम है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला बेट मैं यहाँ पे 50 रुपये से खेल लेता हूँ। फर्स्ट बेट देख लेते हैं क्या होता है, शुरुआत कैसी होती है, उस हिसाब से बेट को आगे बढ़ाया जाएगा। और फर्स्ट बेट में मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जीता हूँ, शुरुआत अच्छी नहीं है, बट मैं एक और चांस लूँगा 50 रुपीज़ का। लेट्स सी, तीन चांस तो लेना बनता है। पहला दो चांस पे तो कुछ खास हुआ नहीं, तो और एक चांस तो बनता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे, मैं जस्ट स्ट्रैटेजी का बात कर रहा था कि पहला तीन राउंड देख लिया 50 रुपये मैं हार चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बेट को रेस की जगह ना मैं उसको कम कर दूँगा। मतलब 50 रुपये फिलहाल, तीसरा बेट में अगर हारता हूँ तो जी हाँ, तीसरा बेट में हार चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेट अमाउंट आप सेट कर सकते हो 50 से, मैं इसको थोड़ा 25 कर देता हूँ। अब इसका क्या होगा कि अब जब हारने का जो आपका वो चल रहा है ना, वो जो थोड़ा सा होता है ये कैसीनो गेम में, कभी एक 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 आवरली काम करता है। अब एक आवर जब आप हार रहे हो तो थोड़ा बेट को कम ही कर दो, हार जाएंगे तो कम हारोगे, और फिर जीतते टाइम जब बड़ा बड़ा जीत जाओगे तो सारा जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जाता है। इसीलिए शायद लोग इतना कैसीनो गेम खेलते हैं और स्ट्रैटेजी यूज़ दिमाग लड़ा के यहाँ पे ये गेम खेलते हैं। लेट्स सी क्या होता है इस बार। बार आया है, बार 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 हम हार रहे हैं, बार के साथ बार बार हार रहे हैं। नेक्स्ट बेट यहाँ पे कर चुका हूँ मैं, नेक्स्ट बेट में फिर भी कुछ खास आया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो लगता है मुझे फिर से इसको बेट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं थोड़ा ऑटो प्ले खेल लेता हूँ, ऑटो प्ले ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका 5 राउंड्स का ऑटो प्ले सेट कर दिया है और यहाँ पे बेटिंग अमाउंट जो अवेलेबल बेट्स है उसको 10 कर देता हूँ। 5000 तक आप बेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 राउंड्स का ऑटो प्ले 10 रुपीज करके, लेट्स सी। अब देखिए जब बेट को कम किया ना, तब शायद मुझे लग रहा है कि मैं जीतूंगा। जी हाँ, ग्रेट। और यहाँ पे मैं लगता है कुछ बड़ा अमाउंट जीत सकता हूँ, लेकिन 10 रुपीज़ का अमाउंट था तो ज़्यादा अमाउंट जीतूंगा नहीं, सिर्फ 12 रुपये ही जीता था। ऑलराइट, लास्ट बेट में मैं यहाँ पे, लास्ट 2-3 बेट्स बाकी है और उसमें मैं अभी जीता हूँ 30 रुपीज। चलिए, तो यहाँ पे शुरुआत इस बेट में, इस ऑटो प्ले राउंड में अच्छा ही हुआ है। यहाँ पे देखिए, ऑटो प्ले अगर क्लियर करना है आपको तो आप यहाँ पे क्लियर में क्लिक करेंगे, ऑटो प्ले क्लियर हो जाएगा। और 10 रुपीज़ का बेट मैं फिर से एक एक करके करता हूँ। इस बार फर्स्ट बेट क्या है, कुछ खास हुआ नहीं है, फिर से एक बेट कर देता हूँ 10 रुपीज़ का। एंड इस बार भी लगता है कुछ होगा, हाँ इस बार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्रिएट कॉम्बिनेशन बना नहीं, उसको बोनस राउंड मेरे को मिल चुका है, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, 3 बोनस राउंड यहाँ पे मिला है। तो फ्री स्पिन्स मेरे को 10 फ्री स्पिन्स मिलेंगे और इसको मैं कर दूंगा क्लिक। चलिए, वाइल्ड आने का चांस, और यहाँ पे लगता है मैं कुछ बड़ा अमाउंट जीत सकता हूँ दोस्तों। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ बड़ा अमाउंट जीता हूँ, नहीं, 2 वाइल्ड आ चुके हैं, 6-3 वाइल्ड चांसेस यहाँ पे बन सकता है। लेट्स सी यहाँ पे किस तरीके से ये बोनस क्रिएट होता है। 4 मोर स्पिन्स लेफ्ट, फिंगर्स आर क्रॉस्ड, यहाँ पे बड़ा अमाउंट में जीत सकता हूँ, बस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन जाए। लास्ट 2 फ्री स्पिन्स, 1 मोर स्पिन,
यस, लास्ट स्पिन। और यहाँ पे मैं लगता हूँ कुछ बिग विन जीता हूँ, 10 रुपीज बेट करके। लेट्स सी बिग विन में कितना यहाँ पे मेरे को मिलता है। ऑल राइट, और ये तो 240 रुपीज का बिग विन। मतलब दोस्तों यहाँ पे आप 24 टाइम्स रिटर्न जीत चुके हैं। मतलब यही जगह आप 100 रुपीज बेट करते हैं, आप 1000 करते हैं, तो 24 टाइम्स रिटर्न 24,000 आप यहाँ पे जीत सकते थे। क्यों मैं यहाँ पे ज़्यादा बेट नहीं किया, कोई बात नहीं, आज का गेम यहीं ओवर करते हैं। और आपको खेलना है आर्केडर तो यहाँ पे कैसीनो के वेबसाइट में आइए, सिर्फ आर्केडर ही क्यों, बहुत सारे इंटरेस्टिंग जैकपॉट गेम्स, पॉपुलर गेम्स, टेबल गेम्स आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।